तो हमारे ढोल वाले भैया आ गए। अब जा रहे विसर्जन करने के लिए। बड़ा भाई छोटे भाई को इसका देखो हाथ लगता है कि टहनी है क्या है ये तो माँ का जो फुल बॉडी चेकअप होने वाला है। इनका फंक्शन में पूरा नहीं अंदर रख देते हैं। पता है इनको शीशा वाले ने धोखा दे दिया है भैया, तोड़ दिया। मगर क्या बोलते हैं ना, इसमें मक्का है कि नहीं। ठीक है जब आदमी पता है कभी कभी क्या होता है ना, आदमी छोटी चीजों से हार जाता है, बड़े बड़े खर्चे कर देते हैं, बेसिक चीजें आदमी भूल जाता है। अभी डब्बा आइया सारा कुछ भैया ने बहुत सारे फंक्शन किए, सब कुछ सब कुछ अवेलेबल है। मुझे याद है रूम में बाल्टी से मग्गे नहीं, और भाई वॉशरूम वगैरह में तो ये चाहिए ही चाहिए ना। बात है इन्होंने बहुत सारे फंक्शन किए ना, तो एक्सपीरियंस हो गया है भैया को। नहीं सुबह कूड़ा वाला आ गया तो तो हमारे ढोल वाले भैया आ गए। पीका जी हम लोग आ गए नीचे, अब जा रहे विसर्जन करने के लिए। तो अमित किटो के घर से मैं आ गई हूँ, और आ गई हूँ मार्केट, पास में मार्केट लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि माँ के लिए एक नाइटी ले लेती हूँ, तो हमने लिया यहाँ पे नाइटी। तो ऑक्ट्रियांस के लिए मैं कुछ देख रही हूँ, तो अभी मैं आ गई हूँ घर, और घर में है बहुत सारे, और इधर मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा तो हम काँपने लगी थी, जबकि मैं स्वेटर शॉल लेके गई थी, और वहाँ पे ना सिर्फ मैं स्वेटर पहनी थी और पूजा बादे पहनी और कोई नहीं पहना था। और आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ आप ही को ठंड लग रहा है, तो हाँ जी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, और क्रेयंस भी छोटा, अगर मैं बीमार हो जाऊँगी, पतिदेव तो बीमार हो ही गए, अगर मैं भी बीमार हो जाऊँगी तो फिर क्रेयंस को कौन देखेगा। इस वजह से पहले अपना सेफ्टी, फिर इन्जॉय जितना, ऐसा थोड़ी है
की स्वेटर पहना था तो एंजॉय नहीं किया, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। और अभी जल्दी से मैं चाय बनाती हूँ, सबको देती हूँ, खुद भी पीती हूँ। माँ का तो एकदम गला पूरा बैठ गया है ठंड के कारण, और पति देव का भी पूरा तबीयत खराब है। और इधर मेरा बन रहा है चाय। खेला खेला, ऐसी संगति होनी चाहिए। गन्नू उसको खिला रहा है, एक पैर भी जूता एक पैर भी नहीं, वो बड़ा है ना, बड़ा भाई छोटे भाई को एक पैर में सॉक्स भी नहीं है। इधर गतिक जो है खिला रहा है क्रियांश को, और क्रिया हे हो गया खत्म, खत्म हो गया। वाह 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 वाह, इधर देख इधर मान, इधर देखिए ना, वाह ऊपर क्या देख, ऊपर क्या खिसवाया था उसने, वो जो था ना जी। सुबह के 8:30 और इस समय जो है तो माँ का जो है फुल बॉडी चेकअप होने वाला है। कैसी दीदी तुम करवाइए हाल फिलहाल में, इसका देखो हाथ लगता है कि टहनी है क्या है ये। हाथी की टहनी, तुम उधर देखो भी नहीं, हाथ लो उधर, कुछ नहीं लग रहा, अभी सुई लगा भी नहीं है, लग रहा कोई नहीं। और जब कितना बार ले चुकी है प्रेगनेंसी के टाइम, तब यहाँ तो अच्छा है कटिहार में, तुम आराम से आराम से, हो गया बस यही तो पेन जो था, इसके बाद कोई पेन नहीं, बस मुट्ठी हल्का हल्का। हम तो कानपुर तक भी ले जाने को तैयार नहीं थी, दीदी ले गई। वैसे ही इतना सामान था और सामान उठा लिया, उसको हो गया टाइट। A few moments later. तो हमारा टेस्ट हो गया और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, सबके लिए चाय बनाया, चाय दिया। पिछली बार जब मैंने टेस्ट करवाया हुआ था ना, तो उस टाइम मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ये वाले हाथ में, जिससे ब्लड निकला था और हाथ उठ ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार मुझे पता ही नहीं चल रहा है, जबकि वो चार उसमें खून निकाला हुआ था, और देख के मेरा ऐसा लग रहा था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब एक बार डाला तो फिर दिक्कत हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मैं क्रियांश के लिए दूध कर रही हूँ ठंडा, क्योंकि क्रियांश भी उठ गया, उसका बॉटल उबाल दिया मैंने, और गन्नू को भी दूध देती हूँ। और यहाँ देखिए हमारे क्रियांश क्या कर रहा है, 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 है। स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट, बाद में यही स्टॉक मार्केट करेगा, अब नहीं करेंगे। हाँ देख लो देख लो देख लो, आज कैसे ठीक है, आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो चलना है हम लोग को। अगर आज क्रियांश सो जाएगा तो फिर उसको छोड़ देंगे, अगर सो जाएगा ये, क्योंकि ये तो 3-4 घंटा आराम से सोता है, होगा तो फिर जब ये उठेगा तो आप ले आना उसको। ठीक ठीक ठीक, हाँ कर लेंगे, ऐसा ही करेंगे। मैगी बनाएगा क्रियांश, गंडू लड़का। और यहाँ क्रियांश जो है कुर्सी को पलटा करके उस पे अपना दूध का बॉटल रख दिया है, डूडू को गिरा रहा है और टीवी देख रहा है। वाह हाँ, इसके बाद चलते हैं किचन। किचन में दीदी खाना बना रही है, क्या बना रहे दीदी? नया सब्जी बना रही है, सब्जी बना रही है, दिखाना नहीं। तो यहाँ इतना सारा सब्जी बना रही है दीदी। हाँ दीदी, 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। तो बहुत सारा खाना बन रहा है हमारे घर में, हम लोग का तो खाना वहाँ है, लेकिन हम लोग यहाँ से खा के नाश्ता करके जाए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि घर से खा के जाना चाहिए। हाँ वहाँ भी खाते हैं हम लोग, वहाँ जाके लंच करते हैं, यहाँ ब्रेकफास्ट है ना। और आज मौसम भी ठीक है, धूप निकला हुआ है, लेकिन बाहर जाने के बाद बहुत ठंड लग रहा था, बहुत सुबह तो बहुत ठंड लग रहा था, लेकिन आज हमको कुछ हुआ नहीं, वो दर्द नहीं किया मेरा हाथ। अब तो मैं स्ट्रांग हो गई। अच्छा, सभी लोग कहते हैं ना कि पहले से पतली हो गई हो, आप भी तो यही बात बोले। इस बार आए तो दीदी कह रही है बहुत ज्यादा पतली हो गई हो, तो ज्यादा। सभी लोग कमेंट भी करते हैं आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, ना स्किन का ध्यान रख रहे हो, ना हेयर का। पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, एक बार क्रियान जब बड़ा हो जाएगा ना तो उसके बाद करना क्या हो, अपने ही पे ध्यान देना है, अपने स्किन पे, अपने हेल्थ पे। थोड़ा सा भी छोटा है ना तो ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है, इस वजह से कुछ नहीं हो पाता है। हमारा और ही दन्नू भी छोया हुआ है और लड्डू भी छोया हुआ है, तुम तीनों छो, ठीक है? ठीक है, छो जाओ। और इधर से देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। तो यहाँ पे माँ हंस रही है, हंसने का राज क्या मैं बाद में बताऊंगी। और फिलहाल यहाँ रूम देखिए, इतना धूप आता है ना इधर से, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पे बैठे भी रहोगे तो बहुत धूप आएगा। अभी पूरा ओस लगा हुआ है तो ओस को पोछेंगे तो पूरा एकदम क्लियर धूप आता है। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, क्या काट रहे हैं मम्मी? हम तो प्याज काट रहे हैं, तो तुम्हारी ननद ले आती है फिर उसको सरा दिए, बनाई नहीं कि उसके घर में हो गया, सास बड़ी खत्म हो गई तो रह गया तो सर गया बेचारा, उसको हम छांट रहे हैं, छांट के रख देंगे। यही ना, नजदीक से ले लेती है हमारा वीडियो फोटो, वैसे भी तो हम है ही हट्टे कट्ठे, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन कहते थोड़ा दूर से लो, थोड़ा स्मार्ट भी लगेंगे, समझती नहीं है। हम तो अच्छे से लेते हैं, आपको बेटा ले गया था। इधर जो ओस है ना, हम लोग ना गाँव में इसको सीत बोलते थे, हमारी बहुत कुछ एडवांस अब हो गए ना, बना दिए हमको एडवांस, बनो फिजिक्स रहोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और माँ जो है बोल ही नहीं पा रही क्योंकि माँ का पूरा गला फंस गया है। नहीं माँ पूरा गला फंस गया, माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। और आज माँ का टेस्ट भी हुआ है, वो वाला माँ क्या कहते हैं, फुल बॉडी चेकअप हुआ है इसका। देखिए गड़बड़ हो जाए तो आप ध्यान नहीं दीजिए कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। नहीं, आप फुल बॉडी चेकअप, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा जो हम क्या बोलना चाहते तो माँ कभी करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार बहुत कहने पे माँ मान ली और चेक करवाई है। तो शाम में आएगा उसका रिपोर्ट। इसका क्या वैसे बनता है? इसका प्याज का पकोड़ा बनेगा। अच्छा, इसे काट के उसमें, अच्छा वैसे सब ये छटना नहीं पड़ता, केवल ये काट के साफ करके बना लेते हैं। लेकिन ये अब खराब हो गया तो उसको अच्छे अच्छे छांट लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा पकौड़ा बनाती है। अच्छा। इस बार सोच रहे हैं जाके पकौड़ा हम कहा ही आते हैं। चलिए तो सही, क्योंकि बाद में हमें डॉक्टर कह दिया है कि सब कुछ आप कहा लिया, परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी तो मम्मी के हाथ से भी पकौड़ा कहा ही लेते हैं। हमारी चाची भी बहुत अच्छा बनाती है, मम्मी से ज्यादा अच्छा हमारी चाची बनाती है पकौड़ा। और ये आ गया निकल, कैसे आ गया ये? हमें ये खुला छोड़ दिया क्या? और चल ना रूम, चल बेटा चल, ये पूछ से मुझे मार रहा है। जा और रूम चल जा, बस तुम ये देख लीजिए पापा। अरे जा, तुम क्रियांश को पीट के आओ तो एक बार, जा पीट के। अरे अरे क्रियांश, क्रियांश अरे क्रियांश, ये देखिए वो तो अपने अलग खेला में लगा हुआ। देखे दन्नू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, नो 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 नो। गुड मॉर्निंग राधे राधे, लाल टमाटर राधे राधे। दोनों भाई का आदत है, उठेगा तो आंख नहीं खुलेगा। आज भैया इतनी देर तक 10 बजे तक सोया है और अभी तक नहीं उठा। आज मेरी बेटी, ये देखो, हेलो कट्टू, आज मेरा चुंडू वाला मतलब बेटू, लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल इसकी गाल देखी कैसे लाल हो गया है। छेब है, छेब। चलो कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलूं फिर भी नींद नहीं खुलाने वाला। और लाल टमाटर हची कर दो, हची हची। जिया बोला, बोलो जिया। अभी सो के उठाए, मम्मी अभी सो के उठाए। हेलो कल दीदी का के भाजी दीदी कॉल।